हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। अच्छा कितने लोग हैं जो दुकान करते हैं? दुकान वाले हाथ खड़ा करना एक बार। अरे काफी लोग हैं। दुकान पे कितनी देर बैठते हैं? सुबह कितने बजे दुकान खुलती है? 9 बजे। कितने बजे तक? यानी 10 घंटे। अरे वाह, 10 घंटे दुकान पे, रेगुलर 10 घंटे दुकान पे, एक दिन में 10 घंटे दुकान पर बैठे, बैठना चाहिए, जरूरी है, 10 घंटे दुकान पर बैठे पैसा कमाया। 10 घंटे में कितना पैसा कमाया? 50,000? नहीं, 50 नहीं, चलो 10-8 घंटे हर एक इंसान नहीं बैठता होगा, कोई 8 घंटे बैठता होगा, 8 नहीं कम से कम 6 तो बैठता ही होगा ना, है ना, 6 से कम तो नहीं बैठता कोई जो दुकान खोले बैठा है। अब पूरा दिन दुकान पर बैठकर 50,000 रुपया कमाया? नहीं कमाया। 40 कमाया? नहीं। 30? नहीं। 20 कमाया? अरे भाई 10 कमाया कुछ तो बोलो। नहीं ठीक है, अच्छा 5 कमाया फिर, ठीक है। पूरा दिन बैठकर हमने दुकान पे पैसा कमाया, पूरा दिन बैठकर हमने दुकान पे पैसा कमाया, क्या ये कन्फर्म है? क्या ये कन्फर्म है कि ये आपके साथ जाएगा? पूरा दिन बैठकर हमने दुकान पे पैसा कमाया, क्या ये कन्फर्म है कि ये आपके साथ जाएगा? कन्फर्म है? कन्फर्म है बोलिए, ये आपके साथ जाएगा, ये कन्फर्म। 10 घंटे बैठे कन्फर्म फिर भी नहीं के जाएगा। अब 10 मिनट भगवान का नाम लिया, भक्ति की, क्या ये कन्फर्म है कि साथ में जाएगा? हाथ खड़ा करके बताओ। 10 घंटे पैसा कमाया, वो आपको कन्फर्म नहीं कि साथ में जाएगा या नहीं जाएगा। 10 मिनट प्रभु का सिमरन किया, नाम लिया, वो आपको कन्फर्म है कि? तो इंसान कितना बेवकूफ है जो कन्फर्म नहीं उसके पीछे भाग रहा है, जो कन्फर्म है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। देखो हमारी हालत। अरे महाराज प्रभु का नाम तो ले ले, बड़ा मन करता है, किंतु ये बीच में क्या आ गया? अरे महाराज प्रेम दाम आने को दिल बहुत करता है, लेकिन परंतु। अरे महाराज वो हमारे पास महात्मा आए हुए हैं, भागवत चल रही है, बड़ी इच्छा करती है जाने की, लेकिन। अरे महाराज सुबह शाम आरती करने को मन तो करता है, मगर ये किंतु परंतु लेकिन मगर, किंतु परंतु लेकिन मगर, जब तक ये चारों कचरे के डिब्बे में नहीं जाएंगे नहीं कुछ मिलने वाला। हर काम में ये आते हैं, किंतु परंतु लेकिन मगर। अरे महाराज बहुत भगवान की भक्ति करने को मन करता है, लेकिन बेटे की शादी कर लूं फिर करूंगी। अरे महाराज दिल तो करता है मैं तो घर बार छोड़ के प्रेम दाम में बैठ जाऊं, मगर मगर बच्चे छोटे हैं। मैंने कहा ये किंतु परंतु मगर जब तक है निकल ले यहां से, ये किंतु परंतु लेकिन मगर जब तक है, तू प्रेम धाम तो क्या ऊपर का कमरा नहीं छोड़ने वाला, घर का घर तो क्या छोड़ेगा। भगवान के नाम में हमने ये किंतु परंतु लेकिन मगर को, अच्छा देखो कोई ना कोई रास्ता धर्म में भी निकाल लेते हैं निकालने वाले, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे धर्म में भी। हम लोग नवरात्रों का समय था तो हमारा गांव है यहां से थोड़ी दूरी पे, यहां पर मेरा जन्म हुआ, पढ़ाई भी वहीं पे की, तो हम लोग वहां पर चले गए, नवरात्रों का समय था, किसी की दुकान पे बैठे थे,
तीन चार लोग और ही बैठे थे, वो दुकानदार ने क्या किया, वो क्या बोलते हैं उसको, काला जहर कोल्ड ड्रिंक वो मंगा लिया। काला जहर ही है ना वो, काला जहर नहीं है, प्रॉपर काला जहर है वो कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया। तो वो सबको दे रहा था, एक लड़का बीच में बोला कि मैं नहीं पीऊंगा, मैंने नहीं पीना। मैंने कहा भाई क्यों नहीं पीना तूने, बताओ। कहता है मेरा नवरात्रों का उपवास है, नवरात्रे चल रहे हैं तो मेरा उपवास है, मैं नहीं पीऊंगा। सभी कहने लगे भाई कोई बात नहीं, नवरात्रों में कोल्ड ड्रिंक तो लोग पी लेते हैं, तू पी ले। कहने लगा नहीं मैं नहीं पीऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, मेरे को इतना अच्छा लगा कि चलो किसी ने नवरात्रों का उपवास अच्छे से रखा तो है, वरना तो सुबह से लेकर शाम तक भोजन की लिस्ट बड़ी होती है पहले से, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा भाई बड़ा अच्छा, तूने बहुत अच्छे से उपवास रखा है। अभी 5 मिनट नहीं गुजरे, 5 मिनट के बाद उसी लड़के ने पॉकेट में से सिगरेट निकाल ली और जला ली। मैंने कहा भाई ये, कहता ये चलती है, ये चलती है। कहता कोई ना कोई रास्ता धर्म में भी निकालते हैं हम, अरे महाराज चलती है, सब चलती है। कैसे चलती है, देखो इंसान अपने आप को किसके साथ मिला रहा है। एक से मैंने बोला अरे भाई तू नशा करना छोड़ दे, भांग मत पिया कर। कहता भांग तो भोलेनाथ ने भी पी थी। मैंने कहा भोलेनाथ ने विष भी पिया, तू भी पी ना। इंसान को खुद को किसके साथ मिलाता है सोचो। भगवान ने, ठाकुर जी ने 16,000 रूप बनाए, तू 2 बना के दिखाना मुझे। किसके साथ खुद को मिला रहे हो। बड़े आराम से कह रहा है अरे महाराज भांग तो भोलेनाथ ही पीते थे। मैंने कहा उन्होंने विष भी पिया था, तू भी। धर्म में रास्ते नहीं निकाले। एक महात्मा है, मुनि थे, जैन मुनि, तो वो एक नियम करवाया करते थे, अक्सर नियम करवाते थे। नियम 4 दिन के लिए जी छोड़ना है, 6 दिन के लिए जी छोड़ना है। तो एक बार उन्होंने नियम कराया कि 7 दिन के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम को 6 बजे तक दर्पण नहीं देखना। क्या नियम है, आने वाले 7 दिन दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक दर्पण नहीं देखना। अब भाइयों को तो कोई फर्क नहीं आया, बहने इनको तो मुसीबत हो गई, ये आईना ना देखे कभी, हो सकता है। माताओं को बड़ी मुसीबत हुई, भाई लोग तो बेचारे जैसे थे, हाथ बालों भी ऐसे किया निकल लिए। बहने कैसे रास्ता निकाला देखो। एक बहन को पार्टी में जाना था आज, उसके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अगर आईना देखती हूं तो नियम टूटता है, नहीं देखती तो पार्टी जाने को मन नहीं कर रहा। भीतर गई, घर के भीतर पेटी खोली, पेटी में से एक नई स्टील की थाली निकाली, उसको बार बार ऐसे देख रही है। नई स्टील की थाली निकाल के उसमें अपना चेहरा देख रही है, देखो मैंने नियम भी नहीं तोड़ा और चेहरा भी देख लिया। वैसे आजकल तो मोबाइल आ गया, उसमें देख सकते हो। कहने का भाव, हम लोग धर्म में भी कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। खुद पर विश्वास है, भगवान पर आस्था है, इस बात को नोट कर लो। खुद पर विश्वास है, भगवान पर आस्था है, तो कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हर मुश्किल में कहीं ना कहीं रास्ता है। लेकिन खुद पर विश्वास और भगवान पर आस्था। आस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे नशा हो गया इंसान को, बस नशे के समान आस्था चाहिए। लोग कहे अरे इसने पी रखी है, लेकिन उसको नहीं पता कि कैसी पी है। जे कि पीने वाले को पता है कैसे पिलाई जाती है, पीने वाले को पता है कैसे पिलाई जाती है। जाम बनाने से पहले बोतल हिलाई जाती है। आप लोग भी पीते हो और पीने का अंदाज मुझे, मैं भी बताता हूं। पीने वाले को पता है कैसे पिलाई जाती है, जाम बनाने से पहले बोतल हिलाई जाती है, फिर भरी महफिल में आवाज लगाई जाती है,
आ जाओ मेरे कान्हा के प्यारो, प्रेम धाम में आज के दिन बिल्कुल फ्री पिलाई जाती है। नशा वो भी है, नशा ये भी है कि तूने वो पिया साकी जो मैखाने में बनी, हमने वो पिया साकी जो हमारे ठाकुर के घराने में बनी, दोनों ने पिया। ऐसा नशा हो, ऐसी आस्था हो। नशा भी बहुत प्रकार का होता है, एक नशा शराब का होता है, एक मोहब्बत का नशा होता है ना, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। अखबार में पढ़ा उस लड़की का ब्रेकअप हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। मैंने कहा वाह, अरे भाई एक साल का प्रेम तुझे मरना सिखा सकता है, किसी एक लड़की का प्रेम, एक साल का प्रेम तुझे मरना सिखा सकता है, और 25 साल का माता पिता का प्रेम तुझे जीना नहीं सिखा सकता। 25 साल का माता पिता का प्रेम तुझे जीना नहीं सिखा सकता। वाह मेरे भाई, वो प्रेम भूल गया, वो लड़की का प्रेम याद है। सबको पता है कि आजकल प्रेम कैसा है, सबका सब, सबका सब। लड़की ने फोन किया, हाय जानू कैसे हो, लड़के ने फोन उठाया, कहते अभी सैलरी मिली नहीं, कहती अच्छा ओके बाय। ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। इन लड़कियों की अदाओं में बड़ा अंदाज होता है, इनकी बातों में भी बड़ा कमाल होता है। ये मोहब्बत वहीं पे करती है जिसकी जेब में माल होता है। अगर बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करेगा तो वो माता पिता करेंगे और कोई नहीं करने वाला। जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा, शुद्ध प्रेम होगा वो। आजकल के तो हालत कैसे हैं बताऊं, शेर सुनाऊं, सुनना है आजकल का शेर, दुनियादारी का शेर है, कहो तो सुना देता हूँ, सुनना है। हाँ इन कामों के लिए तो बात हुआ, ये काम तो जरूरी है। लड़के ने लड़की को कहा महबूबा महबूबा महबूबा, लड़की बोली तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है। लड़का बोला इधर आ इधर आ इधर आ। लड़की बोली पैसे दिखा पैसे दिखा पैसे दिखा। लड़का बोला पैसे नहीं पैसे नहीं पैसे नहीं। लड़की बोली हट फिर ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। लड़का बोला महंगाई है महंगाई है महंगाई है। लड़की बोली फिर तू मेरा भाई है भाई है भाई है। असली प्रेम जब भी करेंगे तो माता पिता करेंगे और कोई नहीं करने वाला। जब भी देखना कभी इमरजेंसी में लेटे होगे ना, आईसीयू में लेटे होगे, डॉक्टर बोलेगा कुछ नहीं पता, तो बाहर देखना और कोई और ना हो, अगर माँ जिंदा होगी वो हर समय उसी दरवाजे के बाहर बैठी होगी कि ना जाने मेरा बेटा कब ठीक हो। अरे उस माँ को भूलकर उस लड़की के लिए। नशा शराब का होता है, मोहब्बत का होता है, दोस्ती का होता है और भक्ति का होता है। चार नशे हैं। हाँ जी, नशा शराब का होता है, मोहब्बत का होता है, दोस्ती का होता है और भक्ति का होता है। अब चारों में अंतर क्या है देखो, चारों में। शराब का नशा क्या है, होश खो जाता है आदमी और कुछ नहीं। शराब सुला देती है। हाँ जी, शराब पी के आदमी, वैसे शराब पीने के फायदे बहुत हैं बताऊं। एक तो शराब पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, मुझसे लिख के ले लो आप, शराब पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता, जवानी में ही राम नाम सत्य है, बूढ़ा कहां से होगा बेचारा। एक शराब पीने वाले को कभी कुत्ते नहीं काटते, शराब पीने वाले कुत्ते नहीं काटते कभी। वो शराब पी के बेचारा कहीं नाली में गिरा पड़ा होता है, कुत्ते सोचते हैं हमारा ही भाई है, इसको क्या काटना। शराब पीने के ये फायदे हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि महाराज कोल्ड जुकाम बहुत हो रहा है, इसलिए थोड़ी शराब पी लेता हूं। महाराज शराब पीने से जुकाम चला जाएगा, महाराज शराब पीने से जुकाम चला जाएगा। मैंने कहा पक्का चला जाएगा, ग्रंटर चला जाएगा। कहते महाराज पक्का, मैंने कहा पक्का। अरे इस शराब की वजह से लोगों के बड़े बड़े घर चले गए, परिवार चले गए, पैसा चला गया, पूरे पूरा वंश चला गया, तो जुकाम की क्या औकात, ये भी चला जाएगा।
शराब सुला देती है। चारों नशों में अंतर क्या है? कौन कौन सा नशा था? एक शराब का, दूसरा मोहब्बत का, तीसरा दोस्ती का, चौथा भक्ति का। अब चारों नशों में अंतर क्या है? शराब सुला देती है, मोहब्बत आज नहीं तो कल रुला देती है। शराब सुला देती है, मोहब्बत आज नहीं तो कल रुला देती है, दोस्ती कभी ना कभी बिछड़ों की याद दिला देती है। शराब सुला देती है, मोहब्बत रुला देती है, दोस्ती कभी ना कभी याद दिला देती है, लेकिन भक्ति सिर्फ एक भक्ति का नशा है। भक्ति हमें कभी ना कभी भगवान से मिला देती है। लेकिन ये नशा होगा कैसे? किसी का संग करना होगा, दामन पकड़ना होगा किसी का। एक छोटी सी चींटी जमीन पे चलती है ना, छोटी सी चींटी, इस चींटी को यहां से दिल्ली जाना हो कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा जी? शायद अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पहुंच पाएगी। ये चींटी को यहां से दिल्ली जाना है तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पहुंच पाएगी। यही चींटी अगर दिल्ली जा रहे पैसेंजर की शर्ट पर बैठ जाएगी, 4 घंटे में पहुंच जाएगी। तो वही काम हमारा है, जो काम हम पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए, गुरु का दामन पकड़ लेंगे, 4 घंटे में पार हो जाएंगे। उल्टा हाथ बहुत परेशान हुआ बेचारा, ये वाला हाथ बहुत परेशान हुआ, उल्टा हाथ, रोने लगा कि प्रभु मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। हर काम सीधे हाथ से, हवन करना है आहुति डालनी है सीधे हाथ से, भगवान को तिलक करना है सीधे हाथ से, चरण मत लेना है सीधे हाथ से, कोई भी काम करो यहां तक कि भोजन करना है सीधे हाथ से। अरे प्रभु मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं क्या करूं? सबके सब काम तो सीधे हाथ से होते हैं, मैं क्या करूं? गुरु जी के पास रोने लगा। गुरु जी कहने लगे तुझे कुछ नहीं करना, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तू रो मत, तू उल्टा है सीधे के साथ लग जा, अपने आप तर जाएगा। तब से जो नमस्ते शुरू हो गया, अब एक हाथ से नमस्ते नहीं होती, अब दोनों के वैल्यू बराबर हो गई। हम उल्टे हैं तो सीधे के साथ लगना होगा। दूध में पानी डाल दो तो क्या बन जाता है जी? हैं जी? नहीं नहीं, वो तो पानी में दूध डालोगे तब बनेगी। दूध में थोड़ा पानी डाल दो तो क्या बन जाएगा? दूध बन जाएगा। नहीं नहीं, पानी में दूध डालोगे तो लस्सी बनेगी, अगर दूध में पानी डाल दोगे तो दूध बन जाएगा। 40 किलो दूध है उसमें 2 लीटर पानी डाल दो, दूध बन जाएगा, है ना? पानी में दूध डालोगे तो लस्सी बनेगी, लेकिन दूध में पानी डाल दोगे तो वो दूध बन जाएगा। याद रखना, हमारे गुरुदेव दूध हैं, हम पानी हैं। गुरुदेव का दामन पकड़ लें, उनके बीच में मिल जाएं, हम भी दूध बन जाएंगे। बस सतगुरुदेव कहते हैं एक नित्य नियम, 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट, 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट का एक नित्य नियम होना चाहिए भगवान का नाम लेने का। 24 घंटे में कम से कम। अच्छा, नित्य नियम का बहुत बेनिफिट है। एक लड़का मेरे पास आया था, मैंने उसे कहा बेटा कुछ भी नियम बना ले तू जिंदगी में, एक नियम बनाएगा ना जिंदगी का तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मैंने कहा जो तेरा दिल चाहे वो नियम बना ले, जो तेरा दिल चाहता है। कहता महाराज मैंने नियम बना लिया, आज से कल सुबह से भोजन, मेरा साथ वाला पड़ोसी है रामलाल, उसका चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करूंगा, नियम बना लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी तुझे कुछ ना कुछ देके जाएगा, तूने नियम तो बनाया जिंदगी का। अब क्या था, प्रतिदिन बिल्कुल साथ में किसान का घर था रामलाल का, लड़के ने रामलाल का चेहरा देखना उसके बाद भोजन करना। 20-25 दिन हो गए, आज भोर से मैं जैसे ही उठा, चारपाई से नीचे उतरा, मां भूख बहुत लगी है जल्दी से भोजन बना, बहुत भूख लगी है, मैं बस रामलाल का चेहरा देख रहा है जल्दी भूख बना, भोजन बना, भूख बहुत लगी है। चेहरा देखने गया तो रामलाल की पत्नी कहने लगी वो तो चले गए, आज खेत में काम था, खेत जोतना है
वो तो खेत में चले गए। अरे ये क्या हो गया, आज तो भूखा मर जाऊंगा अगर तो नियम तोड़ता हूं तो भी मरा। महाराज जी के साथ वादा किया है अगर नहीं तोड़ता तो भूख। वापिस घर आया, मां को कहने लगा, मां एक काम कर, तीन चार चपाती थोड़ी सब्जी एक टिफिन में डाल दे, मैं यहां से साथ ले जाता हूं, खेत जाऊंगा वापिस आऊंगा बहुत भूख लगेगी, वहां उसका चेहरा देखकर वहीं पे खा लूंगा। मां बोली ठीक है, टिफिन में भोजन डाल दिया, जा रहा है भागा खेत की तरफ। उधर रामलाल हल जोत रहा है, जमीन खोद रहा है, हल जोते जोते क्या हुआ, अचानक हल अटक गया कहीं और टन की आवाज आई, टन, जैसे कोई पीतल का बर्तन हो टन की आवाज आ रही है। रामलाल रुका कि यहां कुछ है, क्यों अटक रहा है ये हल। वो खोदना शुरू किया तो क्या देखा, वहां सोने से भरी गागर मिली। अभी सोने की गागर देखकर बड़ा प्रसन्न, उधर वो लड़का आ गया टिफिन हाथ में लिए, जोर से बोलने लगा, अरे देख लिया देख लिया देख लिया। वो तो कह रहा था आपका चेहरा देख लिया, उसने सोचा कि आपका चेहरा देख लिया। रामलाल बोला कोई बात नहीं, तने अकेले ने देखा है और किसी को मत बताना, आधा आधा कर लेंगे। तब लड़का बैठकर याद कर रहा है कि महाराज जी ने कहा था एक नित्य नियम होना जरूरी है, जिंदगी का कुछ भी नियम बना लो, कुछ भी, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आइए आज की वाणी को विश्राम देते हैं, सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर दिव्या प्रसाद ग्रहण करेंगे। दिव्या प्रसाद आप सब लोगों को पता है आश्रम की तरफ से निःशुल्क सेवा है, हर बड़े से बड़े रोग से मुक्त करेगा। कब तक, जब तक ये निःशुल्क सेवा है, किसी का स्वार्थ नहीं। जब इसमें किसी का स्वार्थ आना शुरू हो गया तो स्वार्थ वाला प्रसाद काम नहीं करेगा। आप देखो बड़े से बड़े रोग दूर हो रहे हैं, क्यों, ऐसे कष्ट जिन लोगों को डॉक्टर ने बोल रखा था कि इसकी डायलिसिस कभी बंद नहीं हो सकती, इसकी बाईपास सर्जरी होगी, इसको मधुमेह रोग है, शुगर रोग है, कभी ठीक नहीं होगा। ऐसी ऐसी माताएं जिनको एक एक महीना नींद तक नहीं आती थी, कैसे ठीक हुए, ठीक कैसे हुए, आपके भाव से, संस्थान की निस्वार्थ सेवा और आपका भाव दोनों चाहिए। जब तक ये सेवा निस्वार्थ चलती रहेगी हर बड़े से बड़े रोग से मुक्त करती रहेगी, लेकिन जब किसी ना किसी रूप में इसमें स्वार्थ आ गया तो ये काम नहीं करेगी। बस इसको अब लेते समय और सुबह ग्रहण करते समय क्या मांगना है, सब एक साथ फिर एक बार क्या मांगना है, प्रभु सबका भला करना। एक ये तो अपना जिंदगी का रूटीन बना लो, सारी जिंदगी खुद के लिए मांगते हो इसीलिए हम दुखी रहते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी है हमारी, क्यों दुखी है, क्योंकि खुद के लिए मांगना सीखा है। प्रभु मुझे तो दुनिया जाए भाड़ में, प्रभु कहते दुनिया जाए ना जाए तू गया। हर समय किसी का भला मांगना है, भला करना है। संस्थान में एक आश्रम, एक संस्था चल रही है नरसेवा नारायण सेवा, विश्व प्रेम मिशन परिवार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें खूब बुजुर्ग महिलाएं जिनके आगे पीछे कोई नहीं, मैं उनकी आंखों को देखता हूं तो कभी कभी मेरा भी मन भर जाता है कि इन बुजुर्ग महिलाओं ने कितनी मन्नत मांग के उन बच्चों को लिया होगा, कितनी मन्नत मांग के, आज वो उनको पानी तक नहीं पूछ रहे, वो जिंदा है या मरे ये भी नहीं पता। वो 150 परिवार आप सबके सहयोग से श्री प्रेमधाम आश्रम की तरफ से चलाया जा रहा है, उनका टोटल राशन, टोटल परिवार का खर्चा आप सबके सहयोग से आश्रम की तरफ से चल रहा है। वो बच्चे जो पढ़ना चाहते थे शिक्षाहीन थे, क्यों, आर्थिक कमजोरी की वजह से, शायद फीस तो आज ही देनी है, अभी बच्चों को फीस तो जो लोग बच्चे आए हुए हैं आज ही उनको देंगे। ये बच्चे पढ़ना चाहते थे, ये हमारे देश का भविष्य है, आज ये बच्चे
पढ़ रहे हैं। और मेरा मानना है अमीर का बच्चा कुछ बने ना बने, गरीब का बच्चा एक दिन जरूर बन जाएगा। राधे राधे भक्तजनों, आज है हम श्री प्रेमधाम आश्रम, जहाँ की खास बात है दिव्य प्रसाद। दिव्य प्रसाद जिसने ना सिर्फ लोगों की डायलिसिस बल्कि ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी दूर की हैं। इस दिव्य प्रसाद की खास बात यह है कि ये श्री प्रेमधाम आश्रम में निःशुल्क मिलता है। इसकी शुद्धता पे खास ध्यान दिया जाता है। दिव्य प्रसाद के साथ साथ गुरु जी के प्रवचनों का भी लोगों पे बहुत ही असर देखा गया है। तो आइए जानते हैं कुछ श्रद्धालुओं से कि उनके जीवन में गुरु जी के प्रवचनों और दिव्य प्रसाद का क्या असर हुआ है। मुझे ना बहुत रिलैक्स फील होता है वो खाकर, मतलब जितनी भी टेंशन है वो सब खत्म हो जाती है। मतलब जो भी मेरी इंटरनल इंजरी थी वो सब ठीक हो रही है, मतलब मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है अब। पहले पापा ना बहुत दवाई खाते थे, पेट की तकलीफ थी, उसने बहुत दवाई खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा लेकिन डॉक्टर कहते ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हुआ। फिर मैंने कहा, पापा तो आते नहीं थे, मैंने कहा कि पापा चलो दिव्य प्रसाद के लिए आप जाओ, मैंने कहा कोई बात नहीं आप ठीक हो जाओगे। तो आप प्रसाद खा रहे हैं, जैसे जैसे प्रसाद खा रहे हैं वैसे वैसे अब चीज़ पच रही है, पहले चीज़ कोई नहीं पचती थी जैसे खाते थे। सेहत में सुधार आ रहा है। जी जी, सेहत में सुधार आ रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पापा ठीक हुए हैं वैसे सब लोग ठीक हो जाएंगे, मैं यही कहना चाहती हूँ। अभी तो ठीक है, खाना हम नहीं खाते थे, भूख भी नहीं लगते थे, अब खाने अच्छा लगने लगे, खाने लगे, नहीं तो एक सप्ताह तक मैं कुछ नहीं खाती। दिव्य प्रसाद से खाने से, सबसे पहले मेरे हस्बैंड को कैंसर की प्रॉब्लम थी तो उनकी साथ कीमो हो चुकी है, उसके बाद ऐसा हो रहा है भी कीमो ही नहीं हो रही उनकी, कोई ना कोई प्रॉब्लम। दूसरी सेकंड मेरी सोराइसिस की प्रॉब्लम थी जी। तो वो सोराइसिस की प्रॉब्लम, अब मैं दूसरी बार आई हूँ तो दूसरी बार मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, हम लोग अमृतसर से आए थे, अमृतसर से आए हम यहाँ आए जिस टाइम, तो हमें आश्रम में आने के लिए सबसे पहले ऑफिस में से हमें कमरा खोल के दिया गया। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, कहीं भी चले जाओ ऐसा नहीं मिलेगा, कमरा खोला उन्होंने, जबकि हम अननोन थे बंदे, उन्होंने कमरा खोल के दिया। उसके बाद हमें खाने का अरेंजमेंट नहीं था यहाँ पे, खाना ख़त्म हो चुका था। उसके बाद भी यहाँ सीमा लड़की लगी हुई है कुक, उसने हमें खाना दिया, खिलाया, हम आराम से रहे, मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ का स्पीयर। हाँ, और स्वामी जी के आश्रम इसका सत्संग का तो कहना ही क्या, बहुत अच्छा है। मैं एक बार आई थी अपने पापा के साथ, तो मैं लेके गई थी, लेकिन उन्होंने उसे ग्रहण किया है, तो उनके नीज में पहले प्रॉब्लम थी, अब 75% वो ठीक है। जीवन में बहुत बदलाव आए, मेरी दवाइयाँ चल रही थी वो सारी खत्म हो गई हैं। हाँ जी, तो प्रसाद से बहुत फ़र्क पड़ा है। किस चीज़ की दवाइयाँ? मेरे पेट में प्रॉब्लम थी, उसकी दवाई चल रही थी तो बिल्कुल बंद हो गई है। तो ये थे कुछ भक्तजन जिनसे बातचीत के दौरान पता चला है कि गुरु जी के प्रवचनों ने और दिव्य प्रसाद के कारण उनकी बीमारियाँ दूर हुई हैं, उनकी नेगेटिविटी दूर हुई है, उनके घर में पॉजिटिविटी आई है। राधे राधे प्रिय भक्तजनों, सब प्रेम प्रेमियों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। इससे पहले कि जीवन चूके, इससे पहले कि सब कुछ छूटे, इससे पहले कि जीवन लगने लगे बला, आओ सब मिलकर सीखते हैं जीवन जीने की कला। श्री प्रेमधाम प्रांगण में हर रविवार दोपहर 12:30 बजे सुखी जीवन प्रवचन एवं दिव्य प्रसाद वितरित समारोह, रविवार को दोपहर 12:30 बजे से हरी इच्छा तक। तो बहुत से लोग आश्रम में कॉल कर रहे हैं कि आश्रम में रुकने की क्या व्यवस्था है, उनको बता दूं कि आश्रम में हर प्रकार की रुकने की व्यवस्था है। आप 1-2-4 दिन पहले आकर आश्रम में रुक सकते हैं, रहने खाने पीने हर चीज़ की व्यवस्था है। और जो लोग दिव्य प्रसाद मंगवाने के लिए कॉल कर रहे हैं उनको भी बता दूं कि दिव्य प्रसाद हम डाक द्वारा नहीं भेज सकते, क्योंकि इसकी शुद्धता का विशेष ध्यान रखा गया है, और डाक द्वारा कोरियर द्वारा भेजा जाएगा तो कहाँ कहाँ रखा जाएगा आप सब लोग जानते हैं, इसलिए हम इसे डाक द्वारा नहीं भेज सकते। हर रविवार सत्संग के दौरान प्रेमधाम आश्रम में। जय श्री राधे, जय श्री प्रेमधाम। हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद।